रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वैलेंटाइंस डे पर कुछ नाइटमेयर्स। नॉर्मली लोग नाइटमेयर से बाहर आने के लिए जाग जाते हैं, लेकिन मेरा केस नॉर्मल थोड़ी ना है, क्योंकि मेरी लाइफ ही नॉर्मल नहीं है। एंड आई गेट अप फ्रॉम अ नाइटमेयर सो दैट मैं असली जिंदगी के नाइटमेयर में एंटर कर सकूं। सुसाइड ये लोग करते हैं मरने के लिए, बट इस सुसाइड अटेम्प्ट में कोई नहीं मरने वाला है, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू सी। मेरी मॉम 7th टाइम सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं, कोशिश क्योंकि मेरे घर पे ये सब एज नॉर्मल एज ब्रीदिंग है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, कौन से नंबर पे कॉल करना है, कौन सी नस कटती है तो कितना खून बहता है। एक फैक्ट चेक देती हूँ, 7 से 8 मिनट में एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो उससे पहले ब्लड फ्लो को रोकना। एक बार हॉस्पिटल आ गए तो पेशेंट को तो स्टेबल किया जा सकता है। ट्राई किया, फिर से ट्राई करना। उनके साथ वालों का टफ टाइम तो अब शुरू होता है। एज आई सेड, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम, 7वीं बार। 7 टाइम सुसाइड करने की कोशिश कर रही है मेरी मॉम। अगेन अब तो इन लोगों के लिए भी ये कैजुअल अफेयर बन चुका है। काजल, फिर से उसी आदमी के लिए, ये 7वीं बार है। शी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि तुम अडॉप्टेड हो। अंदर कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई न्यू इट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7th टाइम, आई एम क्वाइट प्रो विद ऑल दिस, बट द नाइट इज नॉट ओवर येट। 7वीं बार था, लेकिन था तो सुसाइड अटेम्प्ट ही। हेंस नाउ कॉप्स विल कम विद द सेम ओल्ड 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, डिप्रेशन था, कोई इशू तो होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई मेडिकेशन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, आप कहाँ थी, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा। क्वेश्चन नंबर 5, ये पहली बार हुआ क्या। सारे क्वेश्चन याद हो गए थे और उनके आंसर्स भी। यू सी, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम। हाउ आर यू फीलिंग? हैंग ऑन, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक्सक्यूज मी, दिस कैन नॉट बी ट्रू। हाउ एम आई डूइंग? पहली बार किसी कॉप ने पेशेंट के बारे में नहीं बल्कि उसके साथ वाले की खैरियत के बारे में पूछा है। इस 6th क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है, या शायद मैं जवाब नहीं देना चाहती। नहीं, ये पहले भी हो चुका है, तो मुझे लगा आपके लिए टफ होगा, मतलब अपनी आई को संभालना। नो, आई वोंट आंसर दिस। हाउ कैन ही नो कि मैं वल्नरेबल हूँ इस मोमेंट पे। एनीवे, माय वॉल्स आर अप एंड आई विल शो हिम। आई डोंट लाइक पर्सनल क्वेश्चंस, एक्सक्यूज मी। मैं इस लड़की से ये सवाल कैसे पूछ सकता हूँ? What made me ask this to her? शायद इसलिए क्योंकि ये मुझे कुछ अपनी सी लगी। कितनी स्ट्रेंज बात है कि आज 14th फेब है, वो दिन जिस दिन मैंने अपनी पूरी फैमिली को खोया था।
14 फरवरी को लोग अपने लवर्स को याद करते हैं और मैं अपने लव्ड वंस को। कितना आयरोनिकल है कि मैं अकेला हूँ और ये लड़की अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी बिल्कुल लोनली, मेरी तरह। लोनली लोगों की शायद यही प्रॉब्लम होती है, दूसरों का अकेलापन फटाक से नजर आ जाता है। येट बेटर ऑफ फ्रॉम दोज जो पता नहीं कितने मास्क लगा के जी रहे हैं। Hey guys, go Indian, be Indian, wear Indian and go Omax Pro, the new amazing phone. And also guys, today is no tobacco day. So all my lovely 4 million fans, let's take a pledge that we are gonna be off tobacco. We are young, we don't need fake nasha. Great. Babes, you will post it na? Karungi yaar, of course karungi. 12 o'clock sharp I'll post. I should inform the agency, right? Of course, obviously. You are such a sweetheart. Thanks, babes. I will inform my dad too. Yeah? Yeah. What's up? Yeah, aur kitne der rukna padega? It's a mom and dad's anniversary. Matlab, my parents are going to be here all night. I don't want to hang out with oldies, man. Listen, chill. We're not going to hang out with oldies. Ek kaam karte hain. Andar aake dekhte hain wo kya rahe. Chale. चलो माँ, फोन लगा। 3-4 बार कोशिश की थी बट ही इज नॉट आंसरिंग। सो तू मेरे फोन से करना। कम ऑन गाइस। जाने कैसे कब गया, हम सोच भी रह गए और प्यार हो गया। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। Man. What, Puneet? एक दिन मॉम का होता है, उसमें भी उसको पूरा मतलब। Please calm down. Okay, वो हैंडल कर लेंगे। यार क्या हैंडल करेंगे? वो क्या हैंडल करेंगे? वो shit assess every fucking time, man. और ऊपर से she's mentally unstable, so dad भी उसे कुछ नहीं कह पाते। Okay, बस Puneet. Calm down. Okay, sit for a sec. Relax, dude. You send me that chick's profile. Your dad की girlfriend की daughter. God, what a complicated relation, yeah. We'll stalk her and see कि कुछ कर सकते हैं कि नहीं. लेकिन अभी यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करते हैं, ओके? क्या है काजल? What is it? आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए तो वो थोड़ा बेटर फील करेंगे। हम हॉस्पिटल में हैं। No, काजल, I can't. आज मेरी एनिवर्सरी है। हॉस्पिटल के बिल्स मैं पे कर दूँगा, just tell her that. तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया and everything is sorted. एडमिशन? मतलब हेलो? हो गया? ओह थैंक गॉड काजू, गौतम जी ने तेरे कॉलेज का एडमिशन करा दिया है। बट माँ, आपने मुझसे बिना पूछा। I don't... एक मिनट, एक मिनट। बेस्ट कॉलेज है, तू ऐसे क्यों कर रही है? गौतम जी ये सब तेरे लिए कर रहे हैं और तू? अच्छा एक आओ, are you okay? एक मिनट, एक मिनट। गौतम जी की गाड़ी आ गई। इमोशनल फूल्स, पता नहीं मैं आज तक क्यों नहीं समझ पाई कि हम ह्यूमन बीइंग्स इमोशनल फूल्स क्यों होते हैं। व्हाई कांट वी ब्रेक आवर ओन पैटर्न? इज इट आवर पैटर्न और आवर इनसिक्योरिटीज? आई जस्ट होप कोई तो इस दुनिया में जो अपनी इनसिक्योरिटीज को फाइट कर सके। साला पार्टी इधर होती है, मजे हमारे होते हैं। एक नंबर भाई, बोला बराबर एक नंबर। रहीम जी मैडम, दरवाजा खोल। जी मैडम। कांट डू दिस, यू कांट डू दिस जोसेफ। रहीम, तुम साहब को जाके बोलो कि 5 मिनट लगेंगे। जी। ड्राइवर का काम ही छोटा है मालिक का मैसेज और मालिक को सही जगह पे पहुंचाना।
उससे ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम, अपन भी यही करता है। पता है जिस घर पे मैं आया है ना, उसकी मालकिन मेरे बॉस की खास दोस्त है और उसके पति का लफड़ा चल रहा है किसी और औरत के साथ। इनको लगता है मेरे को ये सब नहीं पता है, पर ऐसा नहीं है। गाड़ी में बात भी क्या चल रही है दो लेडीज लोग के बीच में, मैं तो ये भी बता सकता है। हर पार्टी में यही छोटा है, पर अपने को क्या, अपने को तो बस मैसेज दे देना है। अपन लोग साला है क्या, एक मामूली कॉकरोच जो फट से रेंगते हुए निकल जाता है। क्या है ना, ड्राइवर लोग की लाइफ ऐसे ही छः साल है। सर मैडम 5 मिनट में आएंगी, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। ठीक। अब कॉकरोच है तो रेंगना तो बनता ही है ना, क्योंकि ड्राइवर को अपना दिमाग नहीं लगाना होता, तो उसके लिए थोड़ा टिप तो बनता ही है ना बनता है। रहीम, वो गाड़ी से आईपैड लेकर आओगे क्या? जी मैडम। देखा ना, अपन को पैसे निकालते किसी ने नहीं देखा, कीड़े के वहाँ पे गया अपन जैसे लोग। भाई देखना कितने सारे पैसे, कुछ निकालना। अबे हट, अंदर से लिया मैं, आलिया से लेने को अच्छा नहीं लगता मेरे को। आलिया मेरे बॉस की बेटी है, मेरे को उससे दिल से प्यार है, अपनी बहन जैसी लगती है, इसलिए अपन चाहे तो पूरी दुनिया को ठग ले, लेकिन आलिया के लिए अपनी वफादारी एकदम 100% रहेगी। या तो डिसाइड कर लेना, या तो तू गौतम को छोड़ दे या इसकी हरकतों से अफेक्ट होना बंद कर दे। प्लीज एट लीस्ट स्टॉप टॉर्चरिंग। आई कांट लीव हिम मधु, आई जस्ट कांट लीव हिम, आई लव हिम मधु, ही इज माय वीकनेस। आई नो डार्लिंग, बट तू ऐसे ऐसा क्या मधु, आलिया इज आल्सो योर वीकनेस। क्या तूने उसे बताया कि वो अडॉप्टेड है? सी दिस इज नॉट द सेम थिंग। मैं आलिया को बता दूंगी एंड आई नो वो इस चीज़ को ईजिली हैंडल कर लेगी। इट जस्ट मैं सही टाइम का वेट कर रही हूँ। एंड नो, आलिया इज नॉट माई वीकनेस। वाई वुड यू कॉल इट वीकनेस? वीकनेस तब होती है अगर ये वन साइडेड होता, क्योंकि सी का जो वो हमारे लिए कितना करते हैं। अभी ये हॉस्पिटल टेबल्स किसने भरे हैं? उन्होंने भरे हैं ना, और तेरे कॉलेज का एडमिशन। पर माँ मुझे उस कॉलेज में जाना ही नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जब चाहे आपकी लाइफ में आ सके और जब चाहे जा सके। इट्स कन्वीनियंस, इट्स नॉट लव। इनफैक्ट लव इज नेवर कन्वीनियंट। तुझे हुआ है क्या कभी? थैंक गॉड नहीं, क्योंकि मैं ना कभी उस पोजीशन में नहीं आना चाहती जहां मैं कांस्टेंट डर में जीऊं कि कोई मेरी लाइफ से चला जाएगा। आई डोंट वांट एनीवन टू बी माय वीकनेस। आई थॉट दिस वाज योर वीकनेस, स्पेशली रात को भेज के पार्लर खुलवा के तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगाए एंड तुम्हें अच्छी ड्रीम्स आए एंड अभी यू गिविंग मी ज्ञान ऑन दिस फैट फ्री शुगर। व्हाट इज दिस यार? मॉम, Why do you keep doing this, huh? Why do I keep doing this? Because I think I love you little bit. Achha, kha lo. Nahi nahi. Pakka nahi khana? Nahi nahi. Are you sure? Yeah, I am sure. One second. Main kha rahi hu. Hello? Tune video post nahi ki ab tak? Nahi, main karne wali thi but then I realized ki humne finance discuss kiya hi nahi. Babe, you never said ki tu paise legi. Stupid videos banane ke liye, logo ke samne stupid dikhne ke liye paise lene chahiye na. You knew na? कि मैं एजेंसी को इन्फॉर्म करूंगा, वो क्लाइंट को, एंड देन आई विल हैव नो चॉइस। इसलिए तूने तब नहीं मांगे और अब? डूड, तू डिसाइड कर। फ्रेंडशिप में ना नो फ्रीबीज नो फ्री लंच, ये मेरा नया रूल है। अच्छा लिसन, वीडियो पोस्ट कर दे, पैसे पहुंचाएंगे। ओह थैंक यू यार, जस्ट ई पे मी। ठीक है, डिटेल्स तो होंगे तेरे पास एंड ट्रांसफर होती मैं पोस्ट कर दूंगी, डोंट वरी। ओके सी या, पीस आउट। मुझे कोई सरफेस से देखे तो आई एम आलिया मेहरा। My dad owns a hospital. My mom has the best dinners in Bombay. And people follow me because they want to see a rich girl's life. Maza aata hai unhe. But I don't know from where did I get the survival instinct. Mere liye social media is only a good zariya to make money. Unlike my friends, mujhe zindagi mein kuch bhi free nahi chahiye. Na deena na lena. I believe that everything comes with a price tag. That's why mere ek post ka bhi price hai. लोग मुझे स्टूपिड समझते हैं, क्यूट समझते हैं, चाइल्डिश समझते हैं या लॉस बेब इन द वुड समझते हैं। ट्रस्ट मी, मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज दिस माइंडसेट इंक्रीजेस माय बैंक बैलेंस। एंड ऐसा नहीं है कि मुझ में इमोशंस ही नहीं है। द वंस हु आर क्लोज टू मी, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लाइक पुनीत, उसके प्रॉब्लम पे तो मैं पर्सनल अटेंशन दूंगी। आई एम गोना टेक देयर केस। एंड यस, the one who tops this list is my mom. Thank you. अरे अभी क्या हुआ? कल ना मैं एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगी, पर आपको अपसेट नहीं कर सकते ना। ओह रियली?
so sweet. लाओ आइसक्रीम दो. अरे नहीं नहीं. अरे भैया आइसक्रीम दो. No way, it's mine. Yeah. अरे have it. तुम्हारे लिए मंगाई थी. I know. कैसी है? Heaven, yum. Are you kidding me? So good. आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के डैड की गर्लफ्रेंड की बेटी को स्टॉक करने वाली हूँ. या आई नो साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड. नो यार वो ऑर्फनेज की जगह तो कमर्शियल बिल्डिंग बन गई है. ऑर्फनेज का कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे. फिर भी मैं ट्राई करता हूँ. अभी दिशा दत्त उसके बारे में नहीं यार उसका भी कोई कुछ नहीं पता. जैसे गायब ही हो गई हो. यार जय मैं न्यूज़पेपर में 5 बार एड्स दे चुका हूँ चाइल्डहुड फोटोज के साथ. देख मैं उनके परिवार वालों के साथ कोई लोचा नहीं करना चाहता यार बट आई डू हैव टू फाइंड देम राइट. यू आर माय लास्ट होप. जानता हूं मगर तू जरा अपने एरिया में कार लोगों की चोरी की केसेस को जरा सीरियसली ले. बहुत शोर मच रहा है उसका. ऑलरेडी टेकन दैट केस अप अश्विन. तुम आर्ग्यू क्यों कर रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा. अरे तुम्हें इतना कंट्रोवर्शियल केस लेने की क्या जरूरत है? और ये लोग कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं. अपने करियर के इस स्टेज पे आकर तुम्हें ये रिस्क लेने की क्या जरूरत है? इट्स ऑल अबाउट ड्रग्स एंड मेडिसिंस अश्विन. बच्चों के हाथ तक पहुंच जाती है. I mean, somebody has to do something about it. आ गया. जी अम्मी. सब लोग ठीक हैं? सब ठीक है. अब्बू अब्बू मैं सोच रहा था कि मैं भी ऐसे किसी बड़े घर में पैदा होता तो क्या ऐश होती. नहीं जो है उसमें सुकून ढूंढ. हाँ लेकिन अब्बू सो जा.